नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे एमबीए के अलावा कौन कौन से टॉप करियर्स हैं 10 ईयर 15 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स डाउन द लाइन। हम लोग ऐसे 18 इंडस्ट्रीज, 18 सेक्टर्स देखेंगे। वी विल सी अराउंड 18 to 17 सेक्टर्स वेयर द नेक्स्ट ग्रोथ विल कम इन, जहाँ पर आप बहुत, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 15 साल इंडिया में बहुत गजब ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप उस सेक्टर्स में एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं और बहुत बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। और बिफोर वी गो अहेड, 95% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वो लोग मुझसे गुस्सा हो क्या? अगर गुस्सा हो तो बता दो, गुस्सा नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो अभी। हाँ, तो ये जो मैं सेक्टर्स के नाम बताने वाला हूँ, ये है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, और ये मेरी अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। आप शायद एग्री करें, आप शायद ना एग्री करें। तो स्टार्ट विद नंबर वन, हम लोग पहले बात करेंगे टेक में। तो टेक में सबको पता है AI, ML, रोबोटिक्स, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। अगर आपको ये सब पता है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट डिग्री लेते हैं वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, बहुत ज़्यादा अच्छे इसमें प्रोस्पेक्ट्स होने वाले हैं। नंबर टू इज साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज जो इंटरनेशनल लेवल पे वॉर जो होने वाले हैं वो विल, दे आर शिफ्टिंग टू साइबर, सो साइबर सिक्योरिटी इज वेरी गुड फील्ड। नंबर थ्री इज बिग डेटा। पिछले 4-5 साल से लोग बोले जा रहे हैं बिग डेटा कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ खास सच हुआ नहीं है। बट आई थिंक 4-5 ईयर्स डाउन द लाइन इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। नंबर फोर इज ड्रोन्स। मुझे लगता है ड्रोन्स टेक्नोलॉजी भी बढ़ने वाली है, बिकॉज एप्लीकेशन जो यूज केसेज हैं बहुत बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कुछ ही स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट 10 ईयर में, मैं 10-15 साल आगे की बात कर रहा हूँ, मैं 3-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो शायद ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं, लेकिन आपके नेफ्यू नीस आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो आप इसको एंटर देखिएगा। तो नंबर फोर इस ड्रोन्स इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर फाइव इज ब्लॉकचेन। अभी जो क्रिप्टो का जो बवाल चल रहा है, रोड़ा चल रहा है, ये सब मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ब्लॉकचेन एज अ फंडामेंटल टेक्नोलॉजी विल बी मच हाईली अडॉप्टेड गोइंग फॉरवर्ड। और मुझे पता है, मेरे कुछ दोस्त बोले थे इंडिया में जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स की बहुत 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 कमी है। उसके बाद एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी इज गोना बी नेक्स्ट बिग चैलेंज। अगर एग्री टेक में आप लोग घुस जाते हैं, बायोटेक एग्री टेक में, जहाँ पर आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस साइड ऑफ दैट, सो एग्रीकल्चर विल गोना बी अ बिग 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 डील। उसके बाद नैनोटेक, इनोवेशन, फार्मा, न्यू फार्मा, बायोसिमिलर्स, बायोटेक, अगेन huge demand in next 10 to 15 20 years, because more pandemics will come and more companies will hire experts in these factors, okay. Uske baad space tech, hum logon ne dekha 2 din pehle India ka first privately built rocket gaya, and I think this is just the starting. next 15 saal mein bahut zyada space tech hone wala hai. agar aap yahan par apni koi degree lete hain to mujhe lagta hai bahut 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 acha hone wala hai. uske baad 9 in technology is defense tech. आप समझिए इंडिया कहाँ पर जा रहा है, इंडिया जो प्राइवेटाइजिंग देयर डिफेंस सेक्टर्स, स्पेस, साइबर स्पेस, एवरीथिंग। सो डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया प्राइवेट सेक्टर को बहुत पुश कर रहा है। अगर आपके पास डिफेंस टेक में अंडरस्टैंडिंग है, डिग्रीज है, रेलेवेंट डिग्रीज है, वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आप बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, तो आई थिंक बहुत बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये थे 9 टेक से रिलेटेड फील्ड्स। अब बात करते हैं नॉन टेक। नॉन टेक में नंबर वन इज रिन्यूएबल एनर्जीज एज ए इंडस्ट्री, एज साइंस, एज कॉमर्स साइड बहुत 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 ज़्यादा स्कोप है इसमें। उसके बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मैं अभी हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ और मुझे पता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में बहुत कम क्वालिफाइड लोग हैं, तो आप उधर भी देख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी में क्या होता है कि ये बेसिकली हाउ कंपनीज वर्क विद कंपनीज, NGOs, थिंक टैंक्स वर्क विद गवर्नमेंट टू चेंज पॉलिसीज, टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, टू रिवाइज पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो पब्लिक पॉलिसी में भी इंडिया में कुछ अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 10-15 साल बाद यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, अभी COP27 हुआ है इजिप्ट में, तो क्लाइमेट चेंज उससे रिलेटेड कॉमर्स साइड में बहुत ज़्यादा स्कोप है मुझे लगता है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो इंटरनेशनल रिलेशन को भी आपको पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल रिलेशन, मैं अभी इंटरनेशनल बिजनेस में काम करता हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ग्रोथ वाला सेक्टर है ये। उसके बाद लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में, अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है, फिर रशियन लैंग्वेज आती है, कल्चर आता है, हिस्ट्री आती है, तो यू विल बी वर्किंग विद एक्सपर्ट्स, विद लॉट ऑफ कंपनीज, विद लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी मुझे लगता है बहुत बूमिंग है। अगर आप 1-2 लैंग्वेजेस पकड़ लो, रशियन पकड़ सकते हो, चाइनीज पकड़ सकते हो, स्पेनिश पकड़ सकते हो, और उसमें
खाली बोला नहीं, यू हैव टू थिंक इन दैट लैंग्वेज, राइट, यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट इन दैट कल्चर. तो आई थिंक दे विल बी अ रियली गुड स्कोप, और अभी भी है लेकिन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में ये फड़ेगा, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज, इंडिया विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ स्टफ. तो ये भी एक अच्छा फील्ड है. उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, मुझे पता है अभी अभी भी है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में बोल रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल, बट ऑल्सो यू नो आई डोंट नो हाउ डिजिटल मार्केटिंग विल हैपन इन मेटावर्स, इन वर्चुअल वर्ल्ड, इन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वर्ल्ड. सो डिजिटल मार्केटिंग इन दैट सेंस आई थिंक इज गोना बी अ बिग थिंग. एंड लास्टली कंसल्टिंग, विच इज नीच कंसल्टिंग, लाइक एविएशन, लाइक डिफेंस, लाइक ईवी, लाइक सप्लाई चेन. तो ये 8 सेक्टर्स हैं जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा बूम करेंगे. मैं दोबारा से बोल देता हूँ बहुत जल्दी से, टेक रिलेटेड, AI, ML, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, देन बिग डेटा, देन ड्रोन्स, ब्लॉकचेन, एग्रीकल्चर, बायोटेक, नैनोटेक, इनोवेशन फार्मा, स्पेस टेक, एंड नंबर 9 थे डिफेंस टेक. और नंबर 2 नॉन टेक में रिन्यूएबल एनर्जीज, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, लैंग्वेज एंड कल्चर स्पेशलिस्ट, नीश कंसल्टिंग लाइक सप्लाई चेन, एविएशन, डिफेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग. अगर तुम लोग सोच रहे हो अपना करियर बनाने का इस MBA के अलावा, तो इन फील्ड्स को भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से. इंडिया में बहुत हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स की बहुत डिमांड होने वाली है, इंजीनियर्स MBA की डिमांड कम होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे परसेप्शन है. अगर तुम लोगों को गलत लगता है तो मुझे बताओ, सही लगता है तो मुझे बताओ. एंड दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो जो आप अपने घर वालों को दिखा सकते हैं, अपने अपने बच्चों की प्लानिंग के लिए दिखा सकते हैं. तो इस वीडियो को जितना आप ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप करिए, एंड आई थिंक दिस माइट हेल्प यू. ऑल द वेरी बेस्ट, मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ, और या फिर मैं कोई फील भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आप ये वीडियो देख सकते हैं, जब तक टेक केयर.